सगीर अब्बासी समाज सुधार ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी 35 से 40 लोग हमारे वॉलेंटियर लगे हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, और दिल्ली पुलिस का पूरा स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है। हमने खुद रिक्वेस्ट करके एसीपी साहब डीसीपी साहब को कहा था और उन्होंने वो हमारा कहना माना है और पूरा स्टाफ यहाँ लगाया है। जिस तरह से यहाँ पे आम पब्लिक जो शबे बारात, ये कोई त्यौहार नहीं है, इबादत की रात है, तो ताकि इबादत सकून से कर सके या किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसलिए ये छोटा कब्रिस्तान है। इसमें हमने बाइकों का खड़ा करने का बनाया इंतज़ाम कराया है, और जो कारें हैं वो जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे से लेके आगे कहीं भी खड़ा करें, और ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सबसे बड़ा सहयोग दिल्ली पुलिस का और समाज सुधार ट्रस्ट का, और सबसे बड़ा जो सहयोग है वो वहाँ की आम पब्लिक का है, जो हमारा सहयोग कर रही है, हमारा कहना मान रही है, और किसी ने भी अभी तक कोई ऊंची आवाज़ में या कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं धन्यवाद कहता हूँ पूरी हमारी आवाम को, हमारी पब्लिक को, जिन्होंने बहुत बड़ा ये सहयोग दे रहे हैं इसी तरह से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी घटना ना घटे कि जिससे हमें अशांति हो। और जिस तरह से दो लोगों ने मुझे बताया है कि कब्रिस्तानों में हमारे मोबाइल चोरी हो गए, तो ये मुसलमानों के भेष में, भिखारियों के भेष में आए हुए हैं, उनसे बच के रहें, उनसे होशियार रहें, ताकि वो लोग जो है ना भीड़ का फ़ायदा उठा के आपकी जेब तराशी करते हैं, मोबाइल लेके निकल जाते हैं। तो भाइयों, इबादत करें और अपना भी ख्याल रखें, और जो आप अपने साथ छोटे बच्चों को ला रहे हैं उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि कोई आपको तकलीफ़ या परेशानी ना हो, परेशानी का सबब ना बने। तो समाज सुधार ट्रस्ट हमेशा इसी तरह से हमारे 35 से 40 लोग, ये देखिए सब खड़े हुए हैं, और सब एक बिजनेसमैन है, कोई इस तरह से काम करते हैं, कोई सरकारी काम करते हैं, मगर आज मैंने टाइट करके बोला कि सभी को आना है, तो हम यहाँ पर हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ये जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है, ये समाज सुधार ट्रस्ट की हमारी तरफ से हर साल लगता है, ताकि हमारे आवाम को कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। और मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे SHO साहब जो महेश कसाना जी हैं, उन्होंने पूरी टीम लगा रखी है। खालिद हुसैन साहब हैं जो हमारे ATO साहब हैं, वो हर तरह पे नज़र रखे हुए हैं, और कुछ यहाँ पे खुफिया लोग भी छोड़े हुए हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जो है इबादत करें, दिल से करें, अल्लाह को याद करें, हमारे बुज़ुर्गों को याद करें, इससे बड़ा मैं क्या कहूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। प्रेसिडेंट, जिस तरह से हमने दिल्ली पुलिस और समाज सुधार ट्रस्ट और सोशल वर्क यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, मैं ये चाहता हूँ जैसे शबे बारात का हमारा ये इबादत की रात है, इसे बड़े इत्मीनान से और बड़े परखलूस से इसको इबादत करें। और यहाँ पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, हमारे SHO साहब महेश कसाना साहब, ATO खालिद हुसैन साहब, और हमारे समाज सुधार ट्रस्ट की पूरी टीम जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रही है, लोगों को तकलीफ परेशानी ना हो, इसलिए हमारे मैं घुमाना चाहूँगा। देखो पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है और कार्य कर रहा है, और यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा, इस साइड में हमने पार्किंग की सुविधा करी है, इस साइड में हमने पार्किंग है, और इधर लोग जाते हैं तो इधर कम पार्किंग है, इधर ज़्यादा पार्किंग करिए, जो नया वाला कब्रिस्तान है। तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारा सबका सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, तभी हम आपके योग्य कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अरशद भाई, अरशद भाई, लो लो लो।